नमस्कार माधव टेलीविजन रा न्यूज टाइम को आपण मन को स्वागत करूची मुमरुनमई। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। ममिता मेहर हत्याकांड ताती बालेश्वर रे शांतिपूर्ण बंद पालन प्रभावित हला साधारण जीवन यात्रा। अनुष्ठित हला बालेश्वर जिलार स्वतंत्र संक्षिप्त भोटर तालिका संशोधन संपर्कित बैठक। आम गोपालगा संगठन पक्षर आयोजित हला श्मशान सफाई अभियान। सामाजिक संगठन पीपुल ऑफ माय लाइफ पक्षर अनुष्ठित हला स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर। वर्तमान संपूर्ण खबर। कलाहांडी जिल्लार शिक्षयित्री ममिता मेहरंक हत्या मामलार सीबीआई तदंत सह गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक बहिष्कार दाबीरे समग्र राज्यरे बीजेपी आंदोलनमुखी होइथिबा बेले बालेश्वरें 12 घंटिया बंद पालित होइजाइछि। बीजेपी जिला सभापति उमाकांत महापात्रंक प्रत्यक्ष तत्वावधानरे बालेश्वर सहर समेत नीलगिरी सोर जलेश्वर रेमणा प्रभृति सहरांचलर मध्य बंद पालन करा लक्ष्य करा जायछि। एही बंद जोगु साधारण जीवन यात्रा प्रभावित होइथिले भी संध्या सुधा कोनोसी स्थान रे अप्रीतिकर घटना घटि नथिबा जणा पडिछि। एही बंद रे ट्रेन चलाचल स्वाभाविक थिबा बेले आम्बुलेंस ओ कांभा ऑटोरिक्शा व्यतीत समस्त बस ट्रक ओ ट्रेकर आदि बंद रहिथिला। बीजेपी कर्मी माने दल दल होइ बालेश्वर सहरर मोतीगंज नुआ बजार फांडी छक चिलियापोलो सिनेमा छक आईटीआई छक प्रभृति अंचल रे पिकेटिंग सह दोकान बजार बंद करिथिले। केतेक स्थान रे कर्मी माने रास्ता रे टायर जळे विक्षोभ प्रदर्शन मध्य करिथिले। स्टेशन छक रे बीजेपी कर्मी और नेता माने उपस्थित रही विक्षोभ प्रदर्शन सांग को राज्य सरकार को जनविरोधी कार्य को तीव्र समालोचना करिथिले। जिला सभापति श्री महापात्रंक समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता जीवन प्रदीप दास बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य शुभंकर महापात्र और शोभना महांती जिला साधारण संपादक परशुराम परिड़ा पूर्वतन जिला सभापति लंबोदर नायक नगर सभापति चित्तरंजन पंडा युवमोर्चा जिला सभापति राजेश महापात्र महिला मोर्चा टाउन सभानेत्री सुस्मिता पंडा बीजेपी उपसभापति कमला बिंधाणी समेत बीजेपी छामुआ नेता माने एथिरे जोगदेइ ममिता हत्याकांड मामलार तदंत सीबीआई को देबा और मंत्री दिव्यशंकर मिश्रंक बहिष्कार सांग को गिरफ्तार दाबी करथिले। जे ममिता मेहर को जो नृशंस भाव हत्या करागला एवं सेतिरे राज्य सरकार मंत्री संप्रुक्ति खोद गृहमंत्री संप्रुक्ति तेणु गृहमंत्री को बहिष्कार दाबी एवं बालेश्वर जिले में विपर्यस्त आईन श्रृंखला आपण जानते बालेश्वर जिले में बढ़ी चली चोरी डकायती एवं धड़ाजहर कारबार एवं बाली माफिया मानकर दौरात्म्य बढ़ी चली पुलिस केवल निरवद्रष्टा ही सेमानंकु सहयोग करुची सेमानंकर माने कम अपराध कम करिवार कौन सी प्रकार काम करूना आपण देखु विभिन्न थाना रे आई आई सी नहांती बिना आई आई सी रे थाना चली सेकेंड अफिसर माने थाना चलते आपड़ जानते आम एसपी अफिस् घेरव करूँ गणतांत्रिक उपाय घेरव करुला बल प्रयोग करके पुलिस जो भाई कांड कला एतिरे गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे प्रतिवादर कंठ रोध करा वर्तमान ये बंद सिना डाकरा दे भारतीय जनता पार्टी किंतु ये बंद वर्तमान जनसाधारण बंद हो जाए आपण मैंने देखिपे जनसाधारण स्वतप्रत भाव में ये बंद को समर्थन कर एवं जनसाधारण गत काली जो आम जा सब जगह बुलिकी लोक अनुरोध कलु लोक मैंने बंद को पूरा समर्थन करेंगे प्रतिश्रुति आज देखा जाए प्रतिश्रुति जनसाधारण रक्षा कर आंदोलन एवं जनसाधारण आंदोलन हम जनसाधारण ये सामिल हे निश्चित भाव मंत्री को बहिष्कार करने को ये सरकार बाध्य है। आज देखु आज जनसाधारण स्पन्टेनियस समर्थन कहीं आम गुड़े बंद देखी कितु ए बंद रे बालेश्वर जनसाधारण निज स्वतस्फूर्त भाव आम क्या डिमांड न चुपचाप रही तेणु गाड़ी मोटर दुकान बजार बस सब बंद अच्छे तार कारण हूँ राज्य सरकार पापर भारा बढ़ीगला नारी निर्यातना एत अधिक है एवं सबुठ ये जो घटनार गुरुत्वपूर्ण कथा ममिता मेहर घटनार ताकू तो मारिदेले काटिले पोड़े पोतिले जी धरा पड़ा आसामी ताकू पुलिस स्टेशन रू भगेदेले तापर दाबी करागला ताकू धरले
ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗର ପୋଲିସ କେବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ସିଏ ଯିବା ଦରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ, ତାକୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏଫଆଇଆର ହେଇକି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛି, ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା ସେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆମେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ପରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଏଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ୟା ଫଳରେ ଯେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ୟା ଫଳରେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ତାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ। ବୁଥ ସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ଆଉ ଗିରଫ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଆଉ CBI ତଦନ୍ତ କରିବା, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନମିତା ମେହେରର ପରିବାରକୁ ବା ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମମିତା ମେହର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଦାବି, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ଓ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେଉଁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକବାଜ ଚାଲିଛି ପୋଲିସର ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସେ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାଲି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? କାହିଁ 8 ତାରିଖରୁ ଆଜି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା? ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ଝିଅ ସେଠି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ କ'ଣ ରାତିରେ ହେଲିକପ୍ଟର, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଠି ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ହୁଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ତା କଥାରେ ଉଠୁ ବସଉଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ସେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟି କାହାର? ଇଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ 21 ଯାଇ କହୁଛି ଗାତ ପାଖରେ ଏଇଠି ପୋତା ହେଇଛି, କେମିତି ଜାଣିଲା ପୋଲିସର? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କଳ୍ପିତ ରଚନା, ଗୋଟେ ରଚନାତ୍ମକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ SP ଘେରାଉ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ମହିଳା ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଣ୍ଡନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ତାଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ମହିଳା ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, କେବଳ ଭଟକା ଖେଳନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ମହିଳା ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ବି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧର୍ଷଣ, ରେପ, ବଳାତ୍କାର, ରାହାଜାନି, ଚୋରି, ଡକାଇନ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମହିଳା ଡେସ୍କ ନାହିଁ, ମହିଳା ଥାନା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ମହିଳାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ନାହୁଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କିଛି ଲୋକ କେଉଁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଲେଣି ମୋତେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଥର, ଏ ବନ୍ଦର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ବନ୍ଦର ଡାକରାରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କିଛି କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ଆମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନାତ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ପେଟ ପାଟଣା କାହାରି ନାତ ମାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। କାରଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଘର ବସି ଭାବିବ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମୋର ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ତାର ବିଭତ୍ସତା ଭାବରେ ତାକୁ ଅପହରଣ କଲେ, ତାକୁ କାର୍ରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ତାର ଶରୀରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଖିନ୍ ଖିନ୍ କରିକି ପୋଡ଼ିଲେ, ପୋତିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋତିଛନ୍ତି ହାଡ଼ ମାଂସ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉଜର ଆଉ ତାର ମନି ପର୍ସ ଠିକ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଗତ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ 10 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ଗୋଟେ ରେପିଷ୍ଟ ମର୍ଡରର୍, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଅନ୍ଧମୁଖ ସାଜି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳ ଚେର ଏତେ ମାତି ଯାଇଛି, ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଯାହାକି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ସେହିଭଳି ସଦର BJP ନେତା ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ନିଜର କର୍ମୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ସହରର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏ ଘଟଣାରେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଆଇନ ପରସ୍ପରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପାଳି ଅଛି। ଜନସାଧାରଣମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ଏ ବନ୍ଦ ଆମେ କରୁଛୁ।
ये ओडिशावासींक पई बंद हेछि, ये माँ मानकर सम्मान पई बंद हेछि। भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन सहिला, ये लोक माने 21 वर्ष रे शासन करतुवा बीजेडी सरकार जो भाया भाव में माँ मानू सम्मान देवा ना अत्याचार कर चलती, ये बहुत दिन होगा आउ हम ना एथर निर्णायक लड़ाई आम लड़े करुचे। लोक मैंने आम सहित अच्छा बालेश्वर जनसाधारण ये बंद को सफल करथिबारु मु आंतरिक भाव में बालेश्वर जनसाधारण को धन्यवाद जनाऊ। अनुरूप भाव बीजेपी आईन सामुख्य और दलय कर्मी मैंने अदालत सम्मुखें पिकेटिंग करने जो विचारपति मैंने कार्य जोग नदी फेरी जाइवा देखा मिलता मैंने जानते बंद सब बड़े भल नुह कि बंद छड़ा आ किसी उपाय ना आपण मैंने जानते बर्तमान ओडिशार जो गंगा सरकार चलते जो निरवता ही बंद रड़ा आ कि उपाय नाला आपड़ जानते जो बहुचर्चित जो चली बर्तमान ममिता मेहर जड़े शिक्षयित्री नवीन पटनायक गवर्नमेंटर प्रथम कथा से कहते विजु जनता दल महिला मानकर बल किंतु जड़े बारंबार देखूँ तो महिला मानक प्रति जो भाव में अन्याय अत्याचार बढ़ी बढ़ी चली बाबद रिसेंटली जोटा आपण कलाहां जिलार जो सनसाइन स्कूल ममिता मेहर तंग अध्यक्ष जे ममिता मेहर को जो भाव में हत्या करागला एवं बर्बरोचित भाव में पोड़ी तार एविडेंस को नष्ट करने जो व्यवस्था करागला से दिव्यशंकर मिश्र डायरेक्ट इनवल्वमेंट थी विरुद्ध में कौन से कार्यानुष्ठान ना ए बाबद नवीन पटनायक भी नीरव रोचा कहीं नीरव ए नीरवता ही अनेक कथा कहि ए नीरवता बतई दे दिव्यशंकर मिश्र जंक मंत्रिमंडल अच्छा जहाँ कि डायरेक्ट इनवल्वमेंट अच्छी तेणु एभली परिस्थित भारतीय जनता पार्टी तरफ बारंबार बाबद प्रतिवाद करुले गोटे राज्यर जदि मुख्यमंत्री नीरव रे मुख्यमंत्री जदि गोटे एक्शन न ने प्रत्येक कथार कहे आईन ता बाटे जीव विकल्प किसी व्यवस्था ना आम आजिकार दाबी हूँ महिला मान सम्मान देवार जदि अच्छी तेरे ममिता मेहर केस्रे दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बाहर कराऊँ तुरंत गिरफ्त करा आमर दाबी दिव्यशंकर मिश्र गृह राष्ट्रमंत्री को बहिष्कार कर दिया जाऊ मंत्रिमंडल कारण ए विषय तो समस्ते जानते ममिता मेहर विषय जदि गृह राष्ट्रमंत्री पदपदवीर रे तदंत बाटर जीवन आम कह आईन ता बाटर जीव केमती आईन बाटर जीव आईनटा रास्तार गोड़ ना चलिक जबार ताकू कहीं चलांती किंतु जदि जड़े गृह राष्ट्रमंत्री को बहिष्कार कर झीटी नियम नीति पाइब आईन रे पाइब से पाइब ना से आज आमर दाबी जे दिव्य शंकर देव को बाहर कर दि जाऊ मंत्रिमंडल यही दाबी नहीं कि आम आज 12 घंटा बालेश्वर बंद कर जो दिव्यशंकर जो मंत्री दिव्यशंकर को तांकर जो मंत्री पदर बहिष्कार करा जाऊ एवं तांकु आईन अंतर्भुक्त करी तांकु अरेस्ट करा जाऊ। द्वितीय दाबी होची जो कथा सरकार कहि राज्य सरकार कि आईन ता बाटर जीव के आईन जीवन जेहेतु राज्य सरकार से मंत्री अच्छे तेणु यहाँ सीबीआई तदंत करूँ तेणु यहाँ सीबीआई तदंत करूँ सीबीआई तदंत कले प्रकृत दोषी बाहर कारण गोटे सरकार समय किटा रेप समय से जानकी बल्लभ पट्टनायक सरकार चलीगला आज तो आज बोधे 500-600 रेप है बलात्कार सहित मर्डर मध्य कि सरकार कान को जाऊनि तेणु ये सरकार चेंज हवा दरकार मंत्री मानक प्रकृत नवीन पटनायक निजी स्वच्छ बोली कहते निर्मल बोली कहते प्रथम दिव्यशंकर अरेस्ट करूँ मंत्री पद बहिष्कार कर अरेस्ट करूँ सीबीआई तदंत जाना ठीक तेनाली जो मंत्री अच्छा मुख्यमंत्री स्वच्छ बोली आम जाना जनसाधारण वितस्प्रिय हो गले जो बीजेडी सरकार समय रे जो नारी मानू सुरक्षा दवा कथा जो आम मुख्यमंत्री कहते यह केवल छलना मात्र प्रकृत जो नारी मानू सुरक्षा तेले मात्र दिहना तार ज्वलत उदाहरण विगत दिन में आप बहुबार देखि सारे से परी कथा कहतु कुंदली कथा कहतु जो ममिता मेहर कथा कहतु निरपेक्ष तदंत कई बेले होना एवं विगत दिन में बहु मंत्री एमती जो घटन जड़ित थिले मंत्रिमंडल बहिष्कार कराई एवं जो माने पीड़िता से परिवारवर्ग कोय मिली ना तेणु आज बीजेपी दल राजरास्ता को ओल्लवाई बाध्य जो ओडिशा रे जो नारी मानकर सुरक्षा देवाई एवं जो माने पीड़िता तांको ठीक भाव न्याय मिलू तांको न्याय न्याय मिलू एवं जो कथा जो आज आम बंद कर कारण जो जो जी आज जहाँ नाम अभियोग आसूँ जो दिव्यशंकर मिश्र जे मंत्री सी निजे गृह राष्ट्रमंत्री एवं जो पुलिस आज तांको मंत्रिमंडल अधीन आस
जे जाए सी मंत्री पदर इस्तफा न दे थे मंत्री पदर बहिष्कार करान से जाए निश्चित भाव में जनसाधारण कौन समस्ते जानते पुलिस ता बाटर जो काम करने कथा मुख्यमंत्री कहते केबे मध्य करिव नाही एवं पीड़िता परिवार को यथाथ न्याय मिलिव नाही तेणु आमर दाबी तुरंत मंत्री पदर बहिष्कार करा जाऊ अन्यथा सीबीआई को दायित्व दिया जाऊ यार तदंत करने गोटे एसआईटी गठन करी तांको दायित्व दिया जाऊ जे यार तदंत करिया तबे दुकान बजार सांगो को बस ट्रक ट्रेकर ऑटो टैक्सी प्रवृत्ति जानवाहन चलाचल बंद रहिबा फळरे यात्रीक समेत साधारण लोके नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होइथले। एही बंद पालन बेले शांति श्रृंखला रक्षा पई जिला पुलिस पक्षरु विहित पदक्षेप निया जायथला। विभिन्न सरकारी ऑफिस समेत सहरर बहु स्थान रे पुलिस मुतयन करा जायथिबा बेले एकाधिक पहरा गाड़ी सहर मध्यरे बुली परिस्थिति अनुध्यान करथिला। जिला पुलिस पदस्थ अधिकारी माने मध्य परिस्थिति उपरे नजर रखिथिले। एही बंद पालन बेले बालेश्वर रे आपातत सेभली अभावनीय परिस्थिति उपजिन थिबा जणा पडिछि। बालेश्वर जिल्लारे स्वतंत्र संक्षिप्त भोटर तालिका संशोधन संपर्कित एक बैठक जिला परिषद सम्मेलनी कक्ष में अनुष्ठित हो जाइछि। जिलापाल के सुदर्शन चक्रवर्ती अध्यक्षतार आयोजित बैठक में बालेश्वर उपजिलापा आशीष ईश्वर पाटिल नीलगिरी उपजिलापा हरिश्चंद्र जेना समेत विभिन्न राजनीतिक दलर प्रतिनिधि जोगदेले। जिलापाल श्री चक्रवर्ती भोटर तालिका संशोधन विभिन्न दिग संपर्क में उपस्थित अधिकारी परामर्श दे 2022 मसीहा जनवरी 1 तारीख को योग्यता सूचक तारीख भाव भित्तिक जो स्वतंत्र संक्षिप्त फोटो भोटर तालिका 2022 आरंभ हो सफल करने को यह बैठक में मत प्रकाश पाई। नवेम्बर 1 तारीख दिन बूथ स्तर में भोटर तालिका ड्राफ्ट प्रकाश पाइबा बेले सही दिन ठारु नवेम्बर 30 तारीख पर्यंत भोटर मानक ठारु विभिन्न प्रकार आपत्ति ग्रहण करा जिवो। आसंता नवेम्बर 7 और 21 तारीख को स्वतंत्र अभियान दिवस भाव ग्रहण करा जायथिबा बेले विभिन्न बूथ रे राजनीतिक दलर एजेंट माने उपस्थित रही बूथ स्तरीय अधिकारी मानक जरिया रे भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया त्वरान्वित करने को जिलापाल श्री चक्रवर्ती परामर्श देते। डिसेंबर 20 तारीख सुधा समस्त आपत्ति और अभियोगर फैसला करा जिबा सहित 2022 मसीहा जनवरी 5 तारीख में चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइब। समस्त राजनीतिक दल बूथ स्तर में एजेंट निजुक्त करने बैठक में नवेदन कर भोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम को सफल करने बैठक में जिलापा के सुदर्शन चक्रवर्ती समस्त सहयोग कामना करते। जो मान बयस 2022 मसीहा जनवरी 1 तारीख सुधा 18 वर्ष होने 6 नंबर फर्म मध्यम बूथ स्तरीय अधिकारी निकट में पंजीकरण पर आवेदन करें। आज बेसिकली आप जो स्पेशल समरी रिविजन प्रोग्राम जो 1 तारीख से जो आरंभ होती सेटिफाई डिटेल डिस्कशन पे हम विभिन्न ऑल रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव्स मान को डाकी थिले एंड तांको संगे डिटेल आलोचना है छि रिगार्डिंग दिस एंटायर शेड्यूल ऑफ स्पेशल समरी रिविजन। तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हम 1 तारीख ऑफ नवंबर एंड 1 तारीख से 30 तारीख पर्यंत सेटा ऑब्जेक्शन हम इनवाइट करू छथि एंड हर एक पॉलिटिकल पार्टी मान को हम रिक्वेस्ट करले तांकर जो बीएलए बूथ लेवल एजेंट्स को अपॉइंट करबा पई एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन संगे ऑल पॉलिटिकल पार्टी संगे भी हम ये डिस्कस करी ले कि को इम्पोर्टेंट डेट्स अच्छी पर्टिकुलरली अपन 7 तारीख एंड अपन का 21 तारीख नवंबर में अपन का स्पेशल कैंपेन डे हो जो दिन बीएलओस हर एक बूथ रे बसव विथ ड्राफ्ट पब्लिकेशन इनकेस कोई वोटर अच्छी किसी डाउट अच्छी और अगर नुआ वोटर अच्छी से दिन से मैंने डायरेक्टली बूथ जाके फॉर्म नंबर 6 भी दे पार अगर किसी करेक्शन पाई भी मैंने एप्लीकेशन आवेदन पत्र दे पार दिस टाइम गोटे नुआ ऐप है दैट इज वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप से मोबाइल ऐप अपन डाउनलोड कर पार डाउनलोड करके डायरेक्टली अपन एप्लीकेशन फॉर्म भी अपन भरी पार फॉर्म नंबर 6, 7, 8, 8A जो फॉर्म अच्छी से ऑनलाइन रे भी हम दे पार सहकारी जिलापाल मनोज कुमार कार्जी समेत अन्य विभागीय अधिकारी एही बैठक में उपस्थित थिले।
बालेश्वर सहरर गोपाल गाँवर युवगोष्ठी को नहीं गठित आम गोपाल गाँ संगठन पक्षर स्थानीय चूनबाटी श्मशान सफे कार्य अनुष्ठित हो स्थानीय अंचलवासी व्यवहार करुवा श्मशान दीर्घ दिन अवहेलित हो पड़ा जो पौरपालिका को अपेक्षा नक संगठन पक्षर यार सफे निष्पत्ति से ही क्रम वरिष्ठ सदस्य दिलीप नायक अरुण कुमार स्वईं प्रबीर कुमार दास और प्रमोद कुमार महांती नेतृत्व में रूपेश कुमार प्रधान अनुप कुमार स्वईं सुदीप लेंका मनोरंजन जेना देवव्रत नायक सुबीर दास प्रतिमा पंडा अजय स्वईं बापनु पंडा प्राणकृष्ण सेन प्रभात महांती प्रमुख यही अभियान में सामिल हो श्मशान सफे करते जो अनुष्ठान याम गोपाल गाँव बालेश्वर रे सबुठ बड़ गोपाल गाँ हिसाब से बड़ गाँ हिसाब से बड़ टाउन हिसाब से आम गोपाल गाँ बहुत बढ़ी जाइए तेना गोपाल गाँ युवक मैंने एकत्रित से विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य कर गत किछि दिन आगुरी से आईकेम करते आज भी सका मुझे देखा बेलू समस्ते आसी श्मशान आम गाँव में सबुठ बड़ श्मशान होमती सफा कर आहरी विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यक्रम से हाथ को नहीं आशा करुच्ची ये युवक समाज एक दिग्दर्शन देवे बालेश्वरवासी को जे आम युवक मैंने एक ही गाँ श्मशान टू आरंभ कर गाँव रेक उन्नति कार्यक्रम अच्छी समस्त आम हाथ को नई आगामी दिन में आहरी विभिन्न पदक्षेप आम नहीं पार ग्रामवासी दाबी फल पूर्व श्मशान एक सेड निर्मित होता संगठन कर्मकर्ता सूचना देते मात्र प्रशासन पक्षर आदौ सफे करा जो श्मशान परेश दिनक दिन खराब आड़क गति करुला तेणु आम गोपाल गाँ संगठन सदस्य मैंने यार सफे करने आगामी दिन में फल और फूल वृक्षरोपण होमकर्ता सहित स्थानीय अंचल जनसाधारण आवश्यकता को दृष्टि रखी विभिन्न सामाजिक कार्य हाथ को निजान सूचना देते से दिन भी चौबीस तारीख दिन आम आपलु जे आम आज चक्षु परीक्षा मोतियाबिंद अपरेसन कम कलु तापर आम श्मशान कार्यक्रम करूँ आज आम पे सब आम भी अतिशीघ्र श्मशान कम आरंभ कर एबे सफा होपर सफा होलापर आम बालेश्वर एक नंबर श्मशान करने चेष्टा कर गोपाल गाँववासी हिसाब से आम दायित्व नहींचुआकू निश्चय करू बालेश्वर सहरर मानसिंह बजार स्थित सामाजिक संगठन पीपुल ऑफ माय लाइफ रो एक वर्ष पूर्ति अवसर में जिला रक्तभंडार एक स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जिला रक्तभंडार परिसर में आयोजित यह शिविर को संगठन चेयरपर्सन विविधा सांतयनी रूपम्बिका प्रियदर्शिनी उद्घाटन करने सहित शिविर आयोजन आभिमुख्य संपर्क में सूचना देते लोकों सेवे संगठन को सक्रिय रखासह रक्तभंडार देखाई रक्तर अभाव पूरण पर बालेश्वर सहर समेत आखपाख अंचल बहु उद्यमान युवक को नहीं शिविर आयोजन निष्पत्ति पीपल ऑफ माय लाइफ तरफ रक्तदान शिविर अनुषित हो रहा मेन रिजन है कि आम ग्रुपटा जो अच्छी पीपल ऑफ माय लाइफ एटा है गोटे मैंने सोशल वर्क मैंने ग्रुपटा अलरेडी एक्चुअली क्रिएट होन इयर हो गला तो से गोटे बहुत दिन इच्छा थी ब्लड डोनेशन कैंप करने तो जहाँ भगवान दया आज मैंने सक्सेस समस्त को लेकिन से बहुत खुशी एवं एक्चुअली आम मानने फर द लास्ट टू इयर्स कोविड सिचुएशन चली थैलेसेमिया पेसेंट मानकर एक्चुअली मुझे निजे भी देखी मानने ब्लड रो बहुत स्कैरसीटी अच्छी आमर मानने बालेश्वर ब्लड बैंक कहूँ कि अलग ब्लड बैंक कहूँ से स्कैरसीटी को अभाव करने जदि आम द्वारा किसी भल कम हो पार से ब्लड डोनेशन कैंपटा कर शिविर में संगठन बहु सदस्य रक्तदान करते रवींद्र घड़ई गौरीशंकर राउत सौम्यजित महाकुल उमाकांत महापात्र विश्वजित दास महेश कमेला अनिल कुमार सेठी मानस बेहरा देवानंद दास प्रमुख एक शिविर को परिचालना सह रक्तदाता मानक उत्साहित करते शिविर शेष सुधा 30 यूनिट रक्त संग्रहित होता जरूरी परिस्थिति रे एही शिविर आयोजन को नहीं जिला रक्तभंडार पक्षर समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन कर खबर शेष करिया पूर्वरु बड़ खबर पुणि थरे ममिता मेहर हत्याकांडर ताती बालेश्वर रे शांतिपूर्ण बंद पालन प्रभावित हला साधारण जीवन यात्रा।
अनुष्ठित है बालेश्वर जिलार स्वतंत्र संक्षिप्त भोटर तालिका संशोधन संपर्कित बैठक आम गोपालगां संगठन पक्षर आयोजित है श्मशान सफाई अभियान सामाजिक संगठन पीपुल ऑफ माय लाइफ पक्षर अनुष्ठित है स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर माधव टेलीविजन न्यूज टाइम रे आज पाई एतिकी रहुची नमस्कार।